हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे श्री नारायण ब्लॉग चैनल में। आज हम आपको बताएंगे तुलसी पूजन, जो कार्तिक महीना 18 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, और तुलसी माता का दीपदान और पूजन सरल विधि से कैसे करते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। कार्तिक महीने में तुलसी पूजन करना विशेष तौर पर फलदायक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस महीने पूरे विधि विधान में तुलसी माता की पूजा अर्चना करने से भगवान श्री हरि विष्णु के साथ मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी व्यक्ति को मिल सकता है। इसलिए कार्तिक महीने में हर रोज सुबह के समय तुलसी महारानी को जल जरूर चढ़ाएं। इस पूरे महीने को शाम की टाइम में गोधूली वेला के वक्त तुलसी जी के नीचे घी का दीपक जलाने से घर की दरिद्रता को भी दूर किया जा सकता है। प्रतिदिन तुलसी पूजन कैसे करेंगे, सरल विधि से तुलसी माता की पूजा कैसे करेंगे और दीप दान जो है सुबह करें या शाम को करें। कार्तिक महीने में तुलसी पूजन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। फ्रेंड्स, पूरे कार्तिक महीने में तुलसी माता की पूजा की जाती है और तुलसी माता के पास दीपक जलाना चाहिए। सबसे पहले तुलसी का गमला हो उसे आप अच्छे से साफ करें। पेंट करना है, कलर करना है, लाल रंग का कलर भी आता है तो आप गमले को कलर भी कर सकते हैं, उस पर राम सीता भी लिख सकते हैं। तो मेरा गमला है प्लास्टिक का है तो मैं इसे अच्छी तरीके से साफ कर लेती हूँ। मतलब अच्छे तरीके से तुलसी के आसपास भी साफ सफाई होनी चाहिए। ये सब एक दिन पहले ही हम कर लेंगे। कार्तिक महीने की जो शुरुआत वाले दिन ही अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा और उसके बाद तुलसी माता की पूजा करेंगे। तुलसी में जो पहले का धागा वगैरह बंधा हुआ होता है वह हम सब हटा देंगे, इसलिए कि कार्तिक महीने में तुलसी माता की पूजा होती है। माता को वस्त्र के स्वरूप में कलावा चढ़ाया जाता है तो उसे निकाल देंगे। मतलब कहने का मतलब है जो भी पहले से कोई कलावा चुनरी चढ़ी हो उसको हम हटा देंगे। चूड़ी चढ़ी है आपकी तुलसी में तो आप उनको प्रसाद के रूप में पहन सकते हैं और बाकी सब चीज़ों का हम विसर्जन कर सकते हैं। कार्तिक महीने में तुलसी माता की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, धन धान्य की कमी नहीं रहती है। सबसे पहले हम पूजा में दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, इसलिए कि हमारी पूजा का साक्ष्य दीपक होता है। दीपक में आप तिल का तेल भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे पहले दिन आपने तिल के तेल का लगाया है तो तिल के तेल का ही लगाना, घी का लगाया है तो घी का ही प्रतिदिन दिया लगाना। तो दीपक हमने यहाँ पर प्रज्वलित कर लिया है और दीपदान सुबह में करना चाहिए या शाम को, ये भी हम वीडियो में आगे बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपके पास गमले में जगह नहीं है तो दीपक को गमले में नहीं रखना और आप नीचे प्लेट में रख सकते हैं और प्लेट में थोड़े से अक्षत जरूर रखें। तुलसी को कोई नुकसान न पहुंचे दीपक रखते टाइम, यह विशेष ध्यान दीजिएगा। दीपक जलाने के बाद हम जल अर्पित करेंगे तुलसी माता को, फिर माता को हम चुनरी समर्पित करेंगे। कार्तिक शुरू होने से एक दिन पहले ही आप यह सामान पहले ला करके रख लीजिए, जैसे चुनरी, बिंदी, चूड़िया, जैसे माता को हम पहले श्रृंगार करेंगे। यहाँ पर मैंने चुनरी समर्पित कर दी है तुलसी माता को और चूड़िया वगैरह पहना दी है। फिर हम यहाँ पर अपना धूप बत्ती दिखाएंगे और माता की, तुलसी माता की पूजा करेंगे। और जो तुलसी माता पर हमने चुनरी और चूड़िया चढ़ाई है वो पूरे महीने हम उतारेंगे नहीं, उनको चढ़े रहने देगा। जिस दिन हम तुलसी माता का विवाह करेंगे उस दिन हम इन सब को हटा के नया इनका श्रृंगार करेंगे, नई चुनरी चूड़िया बिंदी लगाएंगे और उसके बाद हम विवाह इनका करेंगे। यानी कार्तिक महीने में विवाह उत्सव मनाते हैं वो हम इनका पूर्ण करेंगे। और प्रतिदिन पूजा में आप वस्त्र के रूप में एक कलावे का छोटा सा टुकड़ा जरूर अर्पित करें तुलसी माता को। जो चुनरी चढ़ी हुई है उसको तो हटाना नहीं है, लेकिन डेली में आप वस्त्र के रूप में एक छोटा सा कलावा और भोग जरूर तुलसी माता को अर्पित करें। और इसके बाद फिर हमने अपने जल डाल दिया है। जल तो सुबह की टाइम में ही डालना ठीक रहता है और शाम की टाइम में दिया बत्ती जो होती है, दीपक जलाना होता है, वो करते हैं। तो मैंने अपने यहाँ पर जल अर्पित कर दिया है। अब हम यहाँ पर अपना जो सिंदूर की डब्बी रखी थी हम माता को सिंदूर भी चढ़ाएंगे, यानी 5 बार हम माता को सिंदूर चढ़ाएंगे और फिर आप वही माता के चरणों से लेकर के सिंदूर अपनी मांग में भी हम लगा लेंगे, यानी कि माता के प्रसाद के रूप में हम अपने मांग में भी सिंदूर को लगा लेंगे। सिंदूर लगाने के बाद फिर हम तुलसी माता को धूप और दीप जो होता है, जैसे हम आरती करते हैं मंदिर में उसी तरह से माता को भोग भी दिखाएंगे, लगाएंगे और दीपक भी हम अपने हाथ में उठा करके लगाएंगे। और उसके बाद हम अपना जो पानी होता है वो 3 बार हाथ में लेकर के दिए के चारों तरफ से घुमाएंगे 3 बार, आमचनी जिसे बोलते हैं आमचन करेंगे। और माता पूजन में जो तुलसी माता होती है उसको हम
क्षमा प्रार्थी क्षमा याचना करेंगे कि जो कोई भी भूल चूक हुई हो तो हमें तुलसी माता माफ़ करें और हमारी पूजा को स्वीकार करें। अगर तुलसी के आसपास आपके जगह है तो आप चारों तरफ से आप परिक्रमा कर सकते हैं। जगह नहीं है तो जहां आपने पूजा की है बैठ करके वहीं पे आप 5 परिक्रमा या 7 बार 11 बार जितनी आपकी श्रद्धा हो आप उतनी परिक्रमा जरूर करें, लेकिन तुलसी माता की 5 परिक्रमा तो करनी ही करनी होती है जिससे हमारी पूजा जो है वो संपूर्ण मानी जाए और संपूर्ण हो और हमारी तुलसी माता खुश होकर के हमें अपना आशीर्वाद दे। और दीपदान जो है आपको सुबह जल्दी उठ करके 5 या 5:30 बजे के बीच में आप पूजा करके दीपदान कर सकते हैं या तो फिर आपको शाम में दीपदान कर सकते हैं। दीपदान अंधेरे में ही किया जाता है, सुबह में नहीं कर सकते हैं, तो शाम के टाइम में एक दिया प्रतिदिन तुलसी माता के पास जलाना चाहिए। कार्तिक महीने में प्रतिदिन एक दीपक और तुलसी पूजन का बहुत ही महत्व होता है। कार्तिक महीने में तुलसी पूजन करना विशेष तौर पर बहुत फलदायक होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे आपको एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।